हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अगर आप सबको याद हो, लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था, पहले उसको रिवाइज करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सबके जयकारों में दम होना चाहिए। चैप्टर का नाम, अच्छा ये कंपनी सेक्ट का चैप्टर नंबर, कंपनी सेक्ट का चैप्टर नंबर, सेक्शन की रेंज 139 से लेकर 148 तक, ठीक है जी। और साथ में हमें इस चैप्टर में कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, कैसे वाले, द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अच्छा, फिर हमने इसके अंदर एक बात करी थी, कंपनी को दो पार्ट्स में बांटा होता है। कंपनी को कितने पार्ट्स में बांटा होता है? दो, एक तरफ उसके मालिक लोग और एक तरफ उसके अकाउंट्स। कौन बनाती है? पैसा किसने लगाया हुआ है? यानी मेंबर्स ने। अब मालिकों का पैसा लगा हुआ है, मालिकों का क्या लगा हुआ है, और जो क्या कहते हैं अकाउंट्स, हिसाब किताब कौन बना रहे हैं? मैनेजमेंट यानी कोई और। तो क्या हिसाब किताब सही बना रहे हैं या नहीं, इस बात का पता लगाना चाहते हैं कौन? मालिक लोग। तो मालिक लोग कह रहे हैं हमें तो अकाउंट्स आती नहीं। जिसको आती है अकाउंट्स, है ना, उसको भेजते हैं अपने बिहाफ पर। तो बताओ, अच्छा, तो जिसको आती है अकाउंट्स उसको भेजते हैं अपने बिहाफ पर। तो इन्होंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा और ये कहा कि जाओ और जाकर क्या करो, ऑडिट करो, यानी चेक कर कराओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसने प्रिपेयर करी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, याद हो रहा है आपको। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने जाएंगे और वहां पर देखेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, और चेकिंग करने के एंड पर अपना क्या देंगे, ओपिनियन। तो जो पर्सन चेकिंग करने जा रहा है वो ऑडिटर, चेकिंग करने को ऑडिटिंग, है ना, और चेकिंग करने के बाद जो सबमिट करेगा, समझ आ रहा है आपको। फिर मैंने आपके साथ पहला सेक्शन जो स्टार्ट करा था उसका नाम था क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। सारे बच्चे बोलेंगे क्या था? यानी कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर बन सकते हैं, इसका सेक्शन भी याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 एंड 2। तो बताओ पहला पर्सन कौन है? इंडिविजुअल। आठ दो, पहला कौन है? इंडिविजुअल, जिसके पास क्या हो, CA plus COP। और दूसरी तरफ कौन है? फॉर्म इंक्लूडिंग इंडियन बट नॉट फॉरेन। फॉर्म के अंदर इंडियन LLP इंक्लूड है पर फॉरेन LLP इंक्लूड नहीं है। और बताओ बेटा, ये जो फॉर्म है इसको तब ऑडिट मिलेगा जब इसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर, है ना। और अगर मान लो इस फॉर्म को ऑडिट मिल भी गया मान लेते हैं इस फॉर्म को ऑडिट मिल भी गया, तब भी कौन से पार्टनर ऑडिट कर पाएंगे, जो क्या है, सभी पार्टनर्स नहीं कर पाएंगे। और साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी किसके चलेंगे, CA plus COP। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको, पहला सेक्शन समझ आ गया था। फिर हमने पढ़ा था कंपनी की अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बातें। तो कंपनी के जीवन में जो पहला ऑडिटर आता है आजकल उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑडिटर। क्या कहते हैं उसे? और फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। पहला केस था अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, बोलना पड़ेगा, पहला केस था सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6, है ना। अच्छा बताओ, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ध्यान से इतना। सबसे पहले कंपनी की क्या आएगी, डेट ऑफ, उसके कितने डेज में, कितने डेज में, 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जीवन का पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अगर कर देते हैं तो okay. और अगर नहीं करते तो कौन कहते हैं, मेंबर्स, कि हमें ना okay. हम करेंगे अपॉइंट विद इन हाउ मेनी डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ 90 डेज के अंदर करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और बताओ बेटा, मेंबर्स क्या रख के करेंगे, EGM। और जो मेंबर ने अपॉइंट करा, चाहे बोर्ड ने अपॉइंट करा, उस ऑडिटर का टेन्योर क्या रहने वाला है, अप टू द कंक्लूजन ऑफ, समझ आ रहा है आपको। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ अगली बात करी थी डिस्कस, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। बेटा सबसे पहले सेक्शन बताएंगे, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 7, आठ दो, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 7। देखो, गवर्नमेंट कंपनी आज बनी, आज गवर्नमेंट कंपनी बनी, गवर्नमेंट कंपनी बनने के विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज,
60 डेज के अंदर अंदर क्या होगा? सीएजी, सीएजी बोले तो आवाज में दब नहीं, दोबारा, यानी जिस भी दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी तुम्हारे कंधों पर यह दारमदार है कि तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर ढूंढ कर लाना है। या तो तुम ला पाओगे या नहीं ला पाओगे, अगर तुम ले आए तो ओके, वरना फिर हमें ना, ऐसा कौन कह रहा है? ठीक है ना, बीओडी कह रहे हैं, और बीओडी कह रहे हैं हम अपॉइंट करेंगे अब बाय, मतलब कितने देश में, विद इन नेक्स्ट, और बीओडी ने भी या तो अपॉइंट कर लिया या कर लिया तो ओके, वरना फिर, ऐसा कौन कह रहे हैं? मेंबर्स। अब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट, और जिसने भी अपॉइंट करा, अच्छा मेंबर अपॉइंट करेंगे बाय होल्डिंग ईजीएम, और जिसने भी अपॉइंट करा ये रहेगा कब तक? सेक्शन नंबर इसका क्या था? 139। फिर मैंने आपके साथ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करनी थी, ये तो डिस्कस नहीं हुआ था, यानी मैं ये कह सकता हूं ये अब तक आप, तो आओ जरा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं। यानी कंपनी के जीवन में पहले ऑडिटर के बाद, कंपनी के जीवन में जो पहले ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर आएगा वो अगले 5 साल के लिए आता है, और उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मैं बेटा ट्रैक जो बना रहा हूं मेरा तो ब्रॉड जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लो अपनी मतलब बुक्स, बुक तो है नहीं बेटा, कॉपीज जो है आपके पास रजिस्टर जो है उसको आप घुमाकर जैसे भी अरेंज करना चाहो कर सकते हैं, मतलब इतने ताने नहीं मारते, लेकिन सुनना जी, सबसे पहले ये क्या थी, मैं फर्स्ट से लेकर आ रहा हूं और आगे तक सब्सिक्वेंट की सारी स्टोरी इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूं। देखो जी, सबसे पहले अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, है ना, यानी हम उन कंपनीज के सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के अलावा वाली कंपनीज होती है, उनमें कैसे अपॉइंट होता है, तो जरा सुनना। सबसे पहले इसका सेक्शन नंबर कौन सा है? 139 सब सेक्शन 1, जकारा आन दो, सेक्शन नंबर, आओ जरा मैं आपके साथ बात करता हूं, सेक्शन की लिस्ट में भी तो लिखा है, अच्छा फिर पहले क्यों नहीं बताया? ये है कंपनी, कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर बीओडी या तो अपॉइंट कर लेंगे, बीओडी या तो अपॉइंट कर देंगे ओके, और अगर नहीं करते तो फिर कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? अच्छा, और मेंबर्स कब करेंगे? विद इन 90 डेज। अच्छा, ये 90 डेज कहां से होंगे, ध्यान रखना, यहां से यहां तक के 90 डेज में कौन अपॉइंट करेंगे? फिर मेंबर्स बाय होल्डिंग, अच्छा ये 90 डेज वाला ऑडिटर चेक कभी भी अपॉइंट हुआ था ये रहेगा कब तक? अप टू द, अप टू द कंक्लूजन ऑफ, अब बताओ लेट सपोज चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा था या मेंबर्स ने अपॉइंट करा था फर्स्ट ऑडिटर, तो आज बेटा उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो आज वो यहां से क्या होगा? रिटायर। तो लेट सपोज उसका नाम था मिस्टर एक्स, फेब गया, एक्स गया, गई, जो भी जैसा भी, मिस्टर एक्स यहां पर क्या हो गया बताओ? रिटायर, क्योंकि इनका टेन्योर क्या हो गया? कंप्लीट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया, बोलना पड़ेगा, एक्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो ये तो वहां से क्या हो गया? रिटायर। और बताओ बेटा पुराना जाएगा, है ना, तो यानी यहां पर अब क्या आ रहा है? नया ऑडिटर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? और आपने ना याद करो, वो बचपन की बात है, आपने जब बोला था एजीएम जो होती थी उसमें वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता था बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ,
देखो फर्स्ट ऑडिटर तो ईजीएम में अपॉइंट होता है, उसके बाद के सारे ऑडिटर कहां पर अपॉइंट होते हैं? एजीएम में। तो यहां पर एजीएम में ही तो होगा, मैं भी तो बोल रहा हूं फर्स्ट एजीएम में वो पुराना चला जाएगा और पुराने की जगह पर नया आएगा। तो ये वन ऑफ द क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। ये कर लगाओ, ये वन ऑफ द क्या है? ना चलो, मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है और इसकी जगह हम मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रहे हैं। तो मिस्टर वाई को जो हमने अपॉइंट करा, अब सुनने वाली बात है, बताओ फर्स्ट एजीएम के बाद क्या आती है? सेकंड एजीएम। लो जी लो, फर्स्ट के बाद क्या आती है? सेकंड एजीएम। फिर क्या आएगी? अच्छा अगला बताओ, मैथ्स तो तुम्हारी ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एजीएम, और फिफ्थ के बाद कौन सी? सिक्स्थ एजीएम। आपको पता है जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है वो अगले साल तक के लिए नहीं आता, वो अगले पांच साल के लिए आता है। हाउ मेनी इयर्स के लिए आता है? वो पांच साल। तो यानी वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा और उसका टेन्योर जाकर बताओ कब खत्म होगा? सिक्स्थ एजीएम। सिक्स्थ एजीएम या अप टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम? आवाज में दम नहीं है। अप टू द कंक्लूजन ऑफ, तो यानी इसका टेन्योर होगा यहां तक का, अप टू द कंक्लूजन ऑफ कौन सी एजीएम? सिक्स्थ एजीएम। कौन सी एजीएम? सिक्स्थ एजीएम बोलना पड़ेगा। कौन सी एजीएम? है ना। अब मैं आपसे ना हमने पढ़ा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, हमने पढ़ा है अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है ना। तो बताओ बेटा वो कितने इयर्स के लिए अपॉइंट होता है? फाइव एजीएम के लिए। मतलब आज अपॉइंट हुआ तो अगली पांच एजीएम तक वो ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके देखो, एमसीक्यू है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चे। ये आपके स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू है बच्चे। क्या कह रहे हैं? एवरी कंपनी शेल एट फर्स्ट एजीएम, सभी कंपनी अपनी कब? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेगी किसको? इंडिविजुअल या फर्म को एज एन ऑडिटर, और जिसको अपॉइंट करेगी, हु शेल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स। बोलो आपको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है? करेंगे बात, अभी बताता हूं गुड तुम्हारे को। वापिस चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात ही करते हैं, लेकिन कहां की बात करेंगे बताओ? गवर्नमेंट कंपनी। तो आप सब आ जाओ। चलो, गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन, या चलो गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलो बात करते हैं आपके साथ। देखो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है, लेकिन कब तक होता है? विद इन 180 डेज। एक बार बोलना पड़ेगा, विद इन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द। तो लिखना जरा, अपॉइंटमेंट इसकी करेगा कौन? सी ए जी, अपॉइंटमेंट बाय सी ए जी। बोलना पड़ेगा अपॉइंटमेंट बाय कितने दिन में? विद इन 180 डेज फ्रॉम द, वर्ड ध्यान रखना, कमेंसमेंट ऑफ, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, और रहेगा कब तक?
ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का, ये रहेगा कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। टेन्योर क्या रहने वाला है? अप टू द कंक्लूजन ऑफ कौन सी एजीएम? नेक्स्ट एजीएम। आपका टेन्योर रहने कब तक वाला है? अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। समझ आ रहा है आपको बात पक्का वाली? ठीक है जी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं एक क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन है? अच्छा, इसका मैंने सेक्शन नहीं लिखवाया, सेक्शन नंबर लिखना 139 सब सेक्शन 5। उससे हर साल होनी होती है एजीएम, मतलब एक साल में एक बार ही होगी, उसकी लिमिट्स है, पढ़ेंगे सेक्शन 96 में। मैं इन दोनों सेक्शंस की हेडिंग अभी एक साथ लिखवा दूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो एक ही बार ही चलेंगे ना पेज नंबर 1 पे। सुना जी, मैं आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, यानी कौन कौन से ऐसे पर्सन है, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर आवाज में दम नहीं है, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर, वो पढ़ेंगे। और उसके ऊपर 10 बारी तो क्वेश्चन ही आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, उसका नाम है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर यानी कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। टोटल 9 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो इसके अंदर 9 लोगों को कहा गया तुम नहीं कर पाओगे कंपनी में ऑडिट। कितने लोग हैं टोटल? 9। अच्छा, एक तो ये सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3, और इसके साथ हमें पढ़ना होगा रूल नंबर कौन सा? 10। अच्छा, रूल 10 ऑफ किसका होगा बताओ? द कंपनीज, ब्रैकेट में ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, चलो ऐसा करते हैं, पहले सेक्शन की लिस्ट पे चलते हैं और जो पिछला सेक्शन अभी लिखना रह गया था वो लिखते हैं और ये लिखते हैं, फिर इस टॉपिक पे आराम से मूव कर जाएंगे, है? चलो, एक तो हमने सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5 करा, बताना वो क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ और एक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा करने जा रहे हैं? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें क्वेश्चन। अच्छा, तो आप सब ने एक हेडिंग बना ली है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर की, बहुत है बढ़िया। अच्छा, इसका पेज नंबर जो है वो है बेटा 10.33, यानी जब बुक पेज नंबर 10.33 पर आपको इसकी नोटिंग करनी होगी।
गुड, टेस्ट में बदला लिया जाएगा। सुनो, देखो हमारे इंडिया में आपने मेरे को बताया कि कौन कौन ऑडिट कर सकता है, या तो कोई इंडिविजुअल कर सकते हैं या कोई फर्म कर सकते हैं, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑडिट कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। कंपनीज को एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के रूप में प्रैक्टिसिंग काम नहीं कर सकता। तो देयरफॉर पहला पर्सन जो डिसक्वालिफाइड है उसका नाम है बॉडी कॉर्पोरेट। हम पढ़ेंगे डिसक्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट, टोटल कितनी है? 9 लोग हैं इसके अंदर। कितने लोग हैं इसके अंदर? 9 लोग। उन 9 में से पहला कौन डिसक्वालिफाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट। जयकार लगाओ, पहला कौन डिसक्वालिफाइड है? लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट को कह रहे हैं तू कर सकती है ऑडिट, और वो कौन है? LLP। यानी सारी बॉडी कॉर्पोरेट बोला पड़ेगा, सारी जो है क्या है? डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको कह रहे हैं कि तू कर लियो ऑडिट। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? तो यानी फर्स्ट पर्सन जो डिसक्वालिफाइड है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उसका नाम है बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट? अदर देन LLP वाली। समझ आ रहा है आपको? यानी फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर आप मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट लिखते हुए दिख रहे हैं, लिखो ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखते हुए दिख रहे हैं क्या? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP। सेकंड, मैं अब आपसे एक बात करना चाहता हूं। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा, नाम आपसे लिखवाऊंगा। लेट सपोज एक कंपनी है, लेट सपोज ABC लिमिटेड है, एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस कंपनी में एक एम्प्लॉई है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। कंपनी कह रही है मिस्टर एक्स से ही अपने अकाउंट्स चेक करवा लेते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मिस्टर एक्स कंपनी की गलतियां निकालेगा या नहीं निकालेगा? क्योंकि अगर वो गलतियां निकालेगा तो कंपनी इसे निकालेगा। यस और नो? रिश्ता वही है ना। तो इसलिए बताओ बेटा, क्या हम अपने एम्प्लॉय से, कंपनी अपने खुद के एम्प्लॉय से गलतियां निकलवाएगी? वो निकालेगा ही नहीं, उसको पता। मैं आप बताओ आपको जिससे मतलब होता है, आप उसकी 100 अच्छाइयां और 100 मतलब तारीफें करते हैं, और उसके बाद पूछ भी देते हैं और 10 किन्निया तारीफा, हम और कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बताओ, लेकिन अगर आपको जिससे काम नहीं है आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे? ब्रेक में आप नीचे बैठ के कितना कितना किस किस के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता भैया मेरे को उससे कोई मतलब थोड़ना है, अब बोलूंगा मैं खुलकर। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी जो डिपेंडेंट पर्सन होते हैं, बोला पड़ेगा, जो वो बुराइयां नहीं करेंगे। कौन से पर्सन बुराइयां करेंगे? इंडिपेंडेंट। तो यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ये बात मैंने अपने दिल से नहीं बोली, ये बात आपके चैप्टर के फर्स्ट लाइन में ही लिखी हुई है। ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट। ऑडिटर क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पर्सन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब वो ताकि वो पार्शियलिटी से ओपिनियन ना दे, वो अनबायस्ड ओपिनियन दे। वो कैसा सा ओपिनियन दे? समझ आ रहा है आपको? तो यानी ये रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ की है। कंपनी लॉ ही कहता है कि हमारी कंपनी का जो ऑडिटर आए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन आए। तो बताओ, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंट पर्सन है या डिपेंडेंट पर्सन है? तो इनसे ऑडिट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो इसलिए डिसक्वालिफिकेशन की लिस्ट में सेकंड पॉइंट आप लिखते हुए मेरे साथ दिख रहे हैं क्या? एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। टोटल लिस्ट में कितने नाम है? 9। 9 में से सेकंड का नाम क्या है? एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी।
अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, ये जो एम्प्लॉई है ना, ये जो कौन है एम्प्लॉई, इसका एक पार्टनर है, यानी ये पर्सन ना किसी और फर्म में भी पार्टनर है। मान लेते हैं मिस्टर वाई क्या है, पार्टनर ऑफ एक्स। सर एक्स की बातें ना ही कर, मिस्टर वाई कौन है, पार्टनर ऑफ एक्स। मेरा आपसे एक सवाल है, वाई को ऑडिट दे दें, क्यों आप क्यों मना कर रहे हो? आप वाई को ऑडिट देना चाहिए या नहीं? भाई किसी को काम मिल रहा है, तुम क्यों मना कर रहे हो? मिलने दो उसको, 2-3 करोड़ रुपए मिल रहे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ बेटा, तुम क्यों ना कर रहे हो बताओ, तुम क्यों ना कर रहे हो? यानी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये इसके प्रेशर में है, हर कोई बंदा एक्स के प्रेशर। बिल्कुल सही पहचान हो बेटा आपने, मेरी बात नहीं करेगा कोई मैं। चलो मिस्टर वाई किसके प्रेशर में आ सकते हैं, एक्स के, और एक्स किसके प्रेशर में आ सकता है, कंपनी के। समझ आ रहा आपको? तो कंपनी इसको प्रेशराइज करेगी एक्स को, और एक्स किसको प्रेशराइज करेगा, वाई को, और वाई फिर कंपनी की गलतियां नहीं निकालेगा। तो इसको क्वालिफाइड मानू या डिसक्वालिफाइड? आवाज में दम नहीं है, क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? अच्छा अगली बात कर लेते हैं आपके साथ। मान लेते हैं एक्स का एक एम्प्लॉई है, लेट सपोज मिस्टर ई, मिस्टर ई है ये, बताओ बेटा ये कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है और इसने अपनी कोई अलग से फॉर्म खोल रखी है, उसमें एक एम्प्लॉई काम करते हैं मिस्टर ई। बताओ मिस्टर ई को तो ऑडिट दे दो ना, एम्प्लॉई का ही तो एम्प्लॉई है, बताओ दे या ऑडिट या ना दे? यानी आप कह रहे हो मिस्टर ई को भी आप ऑडिट देने से मना कर रहे हो, क्योंकि ये क्या है, एम्प्लॉई ऑफ मिस्टर एक्स। तो यानी थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन आपने खुद ही तैयार कर दी, थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन आपने खुद ही तैयार कर दी। आपने क्या कहा, हम एम्प्लॉई और पार्टनर, एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी से भी ऑडिट नहीं करवाएंगे। मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं, फिर सारी बातें याद कर लेंगे हम। क्या आप सब रेडी हैं? तो यानी थर्ड पर्सन जो डिसक्वालिफाइड है वो कौन है, एम्प्लॉई और पार्टनर, एम्प्लॉई और कौन, पार्टनर ऑफ किसका, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही है? हाँ जी, यस और नो? हमने आज टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा, एक बार यहां तक मुझे लेकर आएंगे, फिर हम इसके बाद अगला पॉइंट बहुत बढ़िया वाला करने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हमने क्या स्टार्ट करा जल्दी बताओ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन, आवाज में दम क्यों नहीं है, क्या पढ़ा हमने, इसका मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कंपनी के ऑडिटर, और टोटल लिस्ट में कितने नाम है, टोटल लिस्ट में कितने नाम है, नो है ना, नो में से अभी तक हमने कितने पढ़े, तीन। अच्छा इसका सेक्शन नंबर कौन सा है, 141 सब सेक्शन 3। और अगर मैं लिस्ट में आपसे बात करना स्टार्ट करूं, लिस्ट में अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूं, तो पहला पर्सन जिसको डिसक्वालीफाइड करा गया वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP। दूसरा एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो बोले उसकी रैंक आ जाए, क्या एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अच्छा थर्ड है बेटा एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कम पानी ज्यादा पानी सही रहता है। फोर्थ, अच्छा इस एग्जांपल में अगर देखा जाए, मिस्टर एक्स क्यों डिस्क्वालिफाइड है, ड्यू टू पॉइंट नंबर 2। मिस्टर एक्स क्यों डिस्क्वालिफाइड है, ड्यू टू पॉइंट नंबर 2, और ये क्यों डिस्क्वालिफाइड है, ड्यू टू पॉइंट नंबर 3। हां जी, हेलो 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 हेलो,
चलो फिर आप सबके समक्ष अगला पॉइंट, लेकिन अभी दो मिनट आपको नोटिंग नहीं करनी, जब तक मैं आपको ना बोलूं आप नोटिंग मत करना, आप सिर्फ बातें सुनना, काम ही ऐसे सुनने वाले, लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 4 जो है अभी आपको नोट नहीं करना जब तक मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट ना कर दूं, ठीक है ना। फिर आप सबको बताइए, आप सब बड़े फैल जाते हो कि हमारी नोटिंग का स्पेस कम पड़ गया, ये है वो है, पहले नहीं बता सकते थे, ठीक है ना। पहले एक बात बोलेंगे मुझे HRP, सारे बच्चे बोलेंगे, पहली एक बात बोलेंगे क्या HRP, आवाज में दम नहीं, दोबारा क्या HRP, H बोले तो हिमसेल्फ, H बोले तो himself, R बोले तो रिलेटिव, और P बोले तो ओ पार्टनर, ठीक है ना। तो HRP की फुल फॉर्म आप मुझे सुनाएंगे, H से क्या हो गया बेटा himself, R से क्या हो गया पी से क्या हो गया partner. कहने अगर आपके पास, आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास SIG बोलना पड़ेगा, क्या SIG? एस मतलब सिक्योरिटी, एस मतलब क्या सिक्योरिटीज कर लेते हैं ना। देखो अगर आपके पास या आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास किसी कंपनी की या ग्रुप ऑफ कंपनी की, किसी कंपनी की या ग्रुप ऑफ कंपनी की बोलना पड़ेगा, किसी कंपनी की या उसके ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। अगर आपके पास या आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास किसी कंपनी की या उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी की क्या है सिक्योरिटीज है, मतलब आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी आपने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है, बताओ आपको अगर ऑडिट दे देंगे, आप बताओ अगर आपको ऑडिट दे देंगे आप उस कंपनी की बुराइयां करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुराइयां सब देखना चाहते हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट सब देखते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मालिक लोग देखते हैं, सब देखते हैं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट मतलब न्यूज में आ जाएगा, इस कंपनी के ऑडिटर ने इनके बारे में ये कहा, बताओ बेटा शेयर मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और उन शेयर्स में आपके भी शेयर्स पे पैसा लगा रखा है तो आपके भी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, बताओ बेटा। आप किसी का लॉस तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे पर अपना नहीं करेंगे, पॉइंट समझ आ रहा है। तो कंपनीज एक्ट में कहा गया अगर आपके पास, आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी है या उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी की सिक्योरिटी है तो आप उस कंपनी और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए क्या है डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बोलो समझ आना स्टार्ट हुआ आपको, यस और नो? अब जरा सुनना, आओ जी आओ, अभी नोट नहीं करना आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 लेट सपोज ये हैं मिस्टर एक्स जो कि CA प्लस COP हैं, ये है मिस्टर एक्स जो कि क्या है बेटा CA प्लस COP। आज ABC लिमिटेड ने इन्हें कहा कि तुम हमारी कंपनी के ऑडिटर बन जाओ, ये ऑडिटर बनने जा ही रहे थे अचानक से एक खबर आई कि इस कंपनी में मिस्टर एक्स तुम्हारे रिलेटिव यानी मिस्टर आर, मिस्टर कौन आर के पास सिक्योरिटीज है, बताओ बेटा। मिस्टर एक्स अच्छे वाला काम मिल रहा था, 1.5 करोड़ रुपए कमा लेते, ठीक है, लेकिन ये पता चला कि उस कंपनी में रिलेटिव के पास क्या है सिक्योरिटीज, तो कंपनी ने कह दिया सॉरी तुम नहीं कर पाओगे हमारा ऑडिट क्योंकि तुम डिसक्वालिफाइड पर्सन हो, बताओ बेटा। एक्स खुश हुआ होगा, वाह यार वाह मजा आ गया, खुश हुआ होगा क्या, उसको इतना गुस्सा आया फटाफट से भाग कर गया किसके घर पर रिलेटिव के घर पर, नीचे से आवाज लगा दी, नीचे उतार, मैं कह रहा हूं नीचे आ जा, बताओ बेटा हर चिड़ियों से बेटा ऐसे उतरते उतरते आ रहे सीधा जाके इसके चरणों में, कह रहा क्या हो गया
एक्स के अंदर सनी देओल आया हुआ है, हल्क आया हुआ है, इस समय हल्क को देखा ना गुस्सा आता है। बताओ बेटा, एक्स ने क्या कहा आर को, तोड़ डालूंगा, मरोड़ डालूंगा, नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा, ऐसा लग रहा है कुछ सुना सुना है ना, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, यस ये वही है। बेटा इसने आर को इतना पीटा कि आर बेटा बेहोश होकर गिरा पड़ा है, फैला पड़ा है, ठीक है ना। तुम्हारा भाई वहीं से जा रहा था, मैंने देखा ये तो आर का मतलब रायता नहीं है, कह रहे ये तो फैला पड़ा है, ये तुम्हारा भाई लवली ब्राउन मुंडा, जरा सुनो, मैंने देखा एक बंदा गिरा पीड़ा पड़ा है, मैंने कहा खड़ा हो गए, कह रहा है और कौन आ गया, अभी इतना पीटा है एक्स ने, मैं कहा क्या हुआ, कह रहे देखो आपको तो पता ही है मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसकी वजह से उसको ऑडिट नहीं मिला, मुझे आगे पीट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक जा बेटा, मैं MCA में गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, सारे खड़े हो गए, जी भाऊ जी, देखो बेटा जलते नहीं, जलन नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल भी जलन नहीं होनी चाहिए, सारे खड़े हो गए। मैं कहा यार क्यों लड़ाइयाँ करवा रहे हो, पहले कम होती है रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ, एक शादी करवा दो 100 लड़ाइयाँ पक्की हैं, एक फंक्शन करवा दो एक आधी पक्की है, कई तो आती है इससे, आज इससे लड़कर आऊंगा है, कईयों का होता ही है, और शादी वाले दिनों में तो मतलब बहुत ही ज्यादा पंगे होते हैं, 3-4 दिन इकट्ठे बुला लेते वेलों को फिर आकर इतने पंगा करते, मुंह ही बनाते रहते, मैं तो कहता हूँ चाय बनाओ, काम तो आए, सारे बैठ के पियेंगे, पॉइंट समझ रहे हैं। मैंने MC को कह रहे क्या हो गया बाबू जी बताओ, कोई समाधान बताओ, मैं कह यार रिलेटिव के लिए कुछ रिलैक्सेशन कर दो, कह रहे आपने बोला और हम तो मानेंगे ही मानेंगे। फिर इन्होंने कहा चल कोई ना रिलेटिव को कहो कल्ले बैके रोए ना, हम उसको 1 लाख की फेस वैल्यू, 1 लाख की फेस वैल्यू, 1 लाख की जितनी सिक्योरिटीज रखना अलाउड कर देते हैं, यानी अगर किसी आपके, ये एक्सेप्शन ओनली फॉर रिलेटिव है, ये एक्सेप्शन ओनली फॉर, तो उन्होंने कह दिया रिलेटिव को कह दिया कि चल कोई नहीं तुम 1 लाख तक की फेस वैल्यू जितनी सिक्योरिटीज अगर रख रहे हो तो फिर बताओ मिस्टर एक्स को ऑडिट मिल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया आपको, तो जरा सुनना, अब मिस्टर आर होल्ड्स द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड हैविंग कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, और आपको बताना है इस केस में मिस्टर एक्स क्या होंगे। चलो बनाए, मान लेते हैं इनके पास 90,000 की सिक्योरिटीज है, मिस्टर एक्स को ऑडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यानी मिस्टर एक्स क्या होगे, क्यू बोले तो क्वालिफाइड, डी बोले तो डिसक्वालिफाइड। अच्छा मान लेते हैं, आगे बात करते हैं, 1,20,000, समझ आ रहा है आपको, आई एम वेरी चलाक ब्रो। अच्छा अब आगे ये बताओ, समझ आ गया, यानी 1 लाख तक की सिक्योरिटीज को रखना क्या है, अलाउड है। यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। पहले ये लेट सपोज मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर आर हैं। मिस्टर एक्स क्या हो गए, CA+COP, और मिस्टर आर हो गए जो मुंह बनाते हैं समझ आ गया क्या, चलो ठीक है। एक बात ये अलग है, अभी बताइए, मिस्टर आर के पास
मिस्टर आर के पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं और उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, जो क्या है मार्केट वैल्यू, वो है 1,25,000। अब बताओ मिस्टर एक्स को ऑडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कह रहे हो? मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमेशा किससे होगा? तो अभी सिचुएशन में अगर फेस वैल्यू अप टू इन सिक्योरिटीज की, इन शेयर्स की अगर फेस वैल्यू अप टू, बोलना पड़ेगा फेस वैल्यू अप टू 1,00,000 है, देन तुसी दसो तो फिर एक्स क्या है, अदरवाइज? और अगर फेस वैल्यू इसकी क्या है 1,00,000 से ज्यादा, तो बताओ एक्स क्या हो गया? तो यानी इन शॉर्ट आपको ये बात समझ आ गई, इन शॉर्ट आपको ये बात समझ आ गई हमारा मतलब किससे होता है, जल्दी बताओ। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? दो एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल भी जरा सुनना। आज आज अपॉइंटमेंट का डे है, यानी आज होनी है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी आज है एजीएम करो, यानी आज होनी है अपॉइंटमेंट ऑफ क्या, ऑडी है ना। और आज रिलेटिव के पास, मिस्टर आर के पास इस कंपनी के 90,000 फेस वैल्यू वाली सिक्योरिटी है, क्या मिस्टर एक्स अपॉइंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स को हमने अपॉइंट कर दिया, मिस्टर एक्स को हमने अपॉइंट कर दिया, बोला पड़ेगा मिस्टर एक्स को हमने अपॉइंट कर दिया। अब बताओ इनका टेन्योर की एक डेट आएगी, जिस दिन ये क्या होंगे, यहां पर होगी रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर, रिटायरमेंट ऑफ व्हाट? अच्छा एक बात बताओ, रिश्तेदार मजे लेते हैं या नहीं लेते? ठीक है, अब देखो यहां पर यही हुआ, अचानक से नहीं, 10 से कुछ नहीं होगा, अभी बात करते हैं। क्या हुआ, रिलेटिव ने आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स बट बिफोर रिटायरमेंट यहां पर 15,000 के और शेयर्स खरीद लिए सेम कंपनी के, बताओ बेटा टोटल कितने के हो गए, जल्दी बताओ? 1,05,000। बोलना पड़ेगा कितने के हो गए? मजा नहीं है, दोबारा, जो कि 1,00,000 से आजकल क्या होते हैं, पक्का? तो बताओ कंपनी ने तो बुला लिया, कंपनी ने तो बुला लिया, ऑफिस खाली करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या लग गई है, डिस्क्वालिफिकेशन, तुम्हारे ऊपर क्या लग गई है, तो अपनी पोजीशन क्या कर दो, खाली करो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बताओ बेटा, ऑडिटर ने पूछा क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, एकदम से मुझे कह रहे हो कल से मत आना, क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह रहे हैं तुम्हारे कुछ रिश्तेदार जिन्होंने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज की लिमिट को क्रॉस कर दिया। बताओ बेटा, एक्स ने बस वो बात सुनने की देर थी, बताओ कहां गया होगा, फटाफट से दौड़ा दौड़ भागा भागा सा, कहां पर, आर के घर के बाहर, वहां जाते ही क्या हुआ लगाई, आजा 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 आजा, इतनी हल्की आवाज, आजा, ऐसे दौड़ा, नीचे उतार, नीचे उतर। बताओ बेटा रिलेटिव, पिछली बार की मार उसको याद है, बताओ कैसे उतर रहा होगा, पता बहुत पीटेगा। पॉइंट समझ रहे हैं, रिलेटिव किसी तरीके से नीचे आया, बताओ बेटा एक्स ने तोड़ डालूंगा, मरोड़ डालूंगा, नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा, बहुत ही पीटा। बताओ बेटा आज फिर रिलेटिव फैला पड़ा, बेटे रिलेटिव फैला पड़ा है, बताओ तुम्हारा भाई फिर वहीं से जा रहा था, सर आप ही क्यों वहां से जा रहे होते हो, कोई रहता है क्या यहाँ आसपास? नहीं नहीं बेटे ऐसा कुछ नहीं है, लवली ब्राउन मुंडा। बताओ मैंने फिर उससे पूछा, हट 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 हट, कह रहे मैं वही जिसको आपने पिछली बार वरदान दिलवाया था, मैं कहा अच्छा, मैं कहा अब क्या हुआ, कह रहे अब तो आदत सी है ऐसे जीने की, ऐसे पिटने की।
मैं कहा क्या हुआ, कह रहा मैंने देखो क्या हुआ, उस समय अपॉइंटमेंट के वक्त पे नहीं खरीदे, बाद में खरीदे हैं और तब सिक्योरिटीज का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो गया और अब वो मुझे आके पीट करने लगा। बताओ बेटा, मुझसे देखा नहीं गया, मैं फिर कहाँ गया? बताओ, सारे लोग खड़े हो गए, क्या कह रहे हैं? आओ बाबू जी, तुम्हें सब पता है, तुम हो बाबा, बाबा जाने मन की बात, इधर आओ, आ जाओ। एमसीए के पास गया, एमसीए ने कहा ऐसा है कि कोई बात नहीं, आप आए हो तो जो कहोगे वो कर देंगे। मैंने कहा ऐसा करो, एक बारी मौका दे दो, एक्स को ये कहो कि वो अपने रिलेटिव को मना ले, एक्स को ये कहो कि वो अपने रिलेटिव को मना ले, अगले 60 दिनों में, यानी अगले कितने डेज में, 60 डेज बोला पड़ेगा, नेक्स्ट कितने डेज में, अगर एक्स उसको मना लेता है, एक्स उसको वैसे एक्स काम मनाते हैं, चलो फिर भी एक्स रिलेटिव को अगर मना लेता है, ठीक है, और वो रिलेटिव अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट को मेंटेन कर लेता है, थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी वो 1 लाख की लिमिट को या तो मेंटेन कर लेता है या फिर मेंटेन नहीं करता। ये 60 दिन तक रोज एक्स की एक ही ड्यूटी थी, फ्रूट उठाने और बताओ रिलेटिव का पता करने है। और ठीक हो आप, गलती से ज्यादा लग गई होगी, बताओ ये हम उसको मस्का क्यों लगा रहे हैं? वो पाव भाजी है वो क्या है? जो मस्का लगा रहे, बताओ किस लिए लगा रहे हैं? ताकि वो अपनी लिमिट को मेंटेन कर ले। तो या तो वो नेक्स्ट 60 डेज में रिलेटिव अपनी लिमिट को मेंटेन कर लेगा, या अगर कर लिया तो ओके, मतलब अब आप एज एन ऑडिटर क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यू। पर अगर आप क्या करते हो, जल्दी बताओ, मेंटेन नहीं करते, तो देयर इज वैकेंसी अकर्ड इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, वैकेंसी अकर्ड इन द ऑफिस ऑफ, और इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। एक वर्ड सीखेंगे बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं, आवाज में दम नहीं है, क्या कहते हैं हम इसे? तो अगर 60 डेज में हम थ्रेशहोल्ड लिमिट मेंटेन नहीं करवा पाए, अगर 60 डेज में हम थ्रेशहोल्ड लिमिट मेंटेन, तो ऑडिटर के ऑफिस में हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी, यानी ऑडिटर अब तुझे जाना ही होगा। बताओ बेटा, अब ऑडिटर को जाना पड़ रहा है, 60 दिन में जो फ्रूट दिए थे, बताओ बेटा वो सारे वेस्ट गए, मतलब वो माना नहीं। कुछ होते हैं, दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो एक मिनट में बात मान जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें समझा समझा के थक जाओ, मोटा दिमाग बिल्कुल नहीं समझते तुम मेरे जैसे बनने आए हो सीए, ध्यान रखो, तो तुम ये बनने आए हो, बताओ कर्मों में जुड़ेगा, अटेम्प्ट कब है बेटे तुम्हारा? हाँ बस ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे। चलो, तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी इन द ऑफिस ऑफ, यानी सीधी सी बात है। हाँ, एचआरपी के पास अगर सिक्योरिटी है, एचआरपी के पास अगर क्या है, सिक्योरिटी, चाहे उस कंपनी की चाहे उसकी, ग्रुप ऑफ कंपनीज की, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर, रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू अप टू रुपीस। ये एक्सेप्शन ओनली फॉर क्या है, रिलेटिव, अभी आप नोट करेंगे इतना, अभी रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में अलग है, इनकम टैक्स में पढ़ लिया क्या, हर एक्ट की अपनी अपनी होती है, बताएंगे, नहीं हमारे यहाँ नहीं है।
यहां तक लिख लिया आपने? रह गया ऊपर कुछ रह गया और पार्किंग वाले भैया आन दो, जान दो। हाँ ओके ओके, पूरी गाड़ी पार्क करवाइए। हाँ एक टुगेदर ली होती है, ऐसा नहीं है एक एक लाख तीनों के, नहीं नहीं एक डाउट आया है भी डिस्कस करते हैं, एक बच्चे को डाउट आया है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले आप नोटिंग कंप्लीट कर लो फिर डाउट लेते हैं, ठीक है बेटा? ये नहीं, उनके पास रिकॉर्ड्स में होते हैं ना कंपनी के पास, और कंपनी रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटिव की मतलब जैसे आपके रिलेटिव, वो वाले रिलेटिव नहीं है मामा का चाचा का बुआ का लड़का, इतनी दूर तक का रिश्तेदार नहीं होता, पास पास के क्लोज फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। हम पढ़ेंगे रिलेटिव की डेफिनेशन। हाँ जी, अब ऐसे कई बार होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, दो भाइयों की आपस में नहीं बनती, ठीक है ना? नहीं, मैंने खुद देखे हैं ऐसे कितने केस होते हैं, तो लेकिन वो भाई तो भाई रहेगा ना।
एक वर्ड आपने सीखा है कैजुअल वैकेंसी, यानी ऑडिटर की जगह जब खाली हो जाती है तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी का नाम दे देते हैं, है ना। तब हम 30 डेज की ही लिमिट देखेंगे। मतलब ये कह रहे हैं, इनका एक डाउट है, अभी मैं बात करता हूँ, दो डाउट आए हैं, वो दोनों बात करते हैं। सारे प्रैक्टिकल है, मैं अभी सारी बातें करता हूँ आपके। देखो मजे लेने को तो जो मर्जी करो, मतलब कुछ भी है। चले करे बातें, कुछ बच्चों के रह गए, नोटिंग कर ले, फिर इनके डाउट्स हैंडल करते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। चलें स्टार्ट करें। अच्छा, इनका पहला डाउट था, मैं आपको बताता हूँ। नोटिंग तो हो गया ना बच्चे, किसी की रह तो नहीं गई। अब ना इनका पहला डाउट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पर रिलेटिव लिमिट है 1 लाख की या ओवरऑल लिमिट है। तो जवाब आता है बेटा ओवरऑल लिमिट है, मतलब दो रिश्तेदार के पास भी 1 लाख से ज्यादा के नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि दो रिश्तेदार है तो 2 लाख तक का अलाउड होगा, नहीं। ओवरऑल ओवरऑल रिलेटिव्स रख सकते हैं कितने की, 1 लाख की, चाहे वो 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, या 4 रखे, या 5 रखे। 5 रिश्तेदारों ने मिलकर अगर खरीद रखे हैं, 1 लाख से ज्यादा होते ही आप क्या है, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। और दूसरा डाउट उनका आया था, कह रहे हम अपने रिलेटिव को कम मनाते हैं, 60 डेज का टाइम हमें दे रखा है, लेट सपोज उस, यही है ना डाउट आपका, रिटायरमेंट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही उसने लिमिट क्रॉस करी है, समझ आ रहा है आपको, यानी 1,05,000 जो शेयर्स हैं वो क्या हुए हैं, रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले ही हुए हैं। तो वहां पर बताओ बेटा, फिर नंबर ऑफ डेज का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो जनरल पॉइंट बताया गया कि इन बिटवीन हो गया, तो लास्ट 60 डेज में तो आप थोड़ा सा बचकर चल पाओगे ना, मतलब फिर आपको 60 डेज मेंटेन करने के लिए है, है ना, फिर आपको क्या होगा, आपकी कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी, ठीक है। एक और डाउट था यहां से किसी का और पूछ लिया, किस दिन हो जाए, वही वाली बात होगी ना, वो तो वही होगी, ठीक है। अच्छा मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं, इसी चार्ट में आई से है इनडेप्टनेस, एक बार बोलना पड़ेगा, आई से बच्चे क्या है, सारे बच्चे बोलेंगे आई से अपना क्या है बेटा। अगर आपने या आपके रिलेटिव ने या आपके पार्टनर ने, जरा ध्यान देना, आपने या आपके
रिलेटिव ने या आपके पार्टनर ने कंपनी को पैसे देने हैं, लेने नहीं है कंपनी से, कंपनी को पैसे ध्यान रखना यहां लिखेंगे हम, अब साथ साथ लिख सकते हो, कंपनी को पैसे देने हैं एचआरपी ने, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कंपनी से लेने हैं देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कंपनी को पैसे देने हैं, मान लेते हैं आपने कंपनी को 10 लाख रुपए देने हैं, आप हो सी ए प्लस सी ओ पी, आपने किसी के 10 लाख रुपए देते, कंपनी ने आपको कहा मत दियो 10 लाख, बस तुझे हमारे बारे में कुछ लिखना नहीं है, बताओ आप मान जाओगे या नहीं मान जाओगे, आवाज में दब नहीं, मान जाओगे या नहीं मान जाओगे, तो ये इसलिए बताओ बेटा, जब आप मान जाओगे तो फिर आप इनडिपेंडेंट किस बात के, आप तो क्या हो गए डिपेंडेंट। तो यहां पर पॉइंट जरा समझना, आप शुरू करेंगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। तो यानी अगर आपने आपके रिलेटिव या आपके पार्टनर ने कंपनी के 5 लाख से ज्यादा, ध्यान रखना 5 लाख से, आवाज में तुमने 5 लाख से, 5 लाख तक आप क्वालिफाइड है, 5 लाख क्रॉस होते ही डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे, समझ आ रहा है। अगर आपने कंपनी या उसके ग्रुप ऑफ कंपनी के 5 लाख से ज्यादा देने हैं तो आप उस कंपनी से क्या माने जाओगे, उस कंपनी से भी और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी से भी क्या माने जाओगे, डिसक्वालिफाइड। बोलो बेटा बात समझ आनी स्टार्ट हुई है, यस या नो? अच्छा, अगला है गारंटी। अगला क्या है बेटा? गारंटी। आण दो, अगला अपना क्या है? मजा नहीं आ रहा, अगला अपना क्या है? गारंटी। आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए कंपनी को गारंटी दे रखी है, आपने, आपके रिलेटिव ने, आपके पार्टनर ने, मतलब एचआरपी ने किसी थर्ड पार्टी के लिए कंपनी को गारंटी दे रखी है। और आपको एक बात बताऊं, गारंटी का अमाउंट कितना है? 1 लाख से ज्यादा। कितने से ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा। तो आप उस कंपनी से और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी से क्या हो जाओगे? डिसक्वालिफाइड। बोलना पड़ेगा, आप उस कंपनी से और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी से क्या हो जाओगे? कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ? अब बार बार ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी आ रहा है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है? नहीं नहीं और भी चीजें, रुको गुस्सा नहीं करते, ये देखो सुनना जरा, इधर जरा ध्यान देना। देखो आप उस कंपनी में अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो उस कंपनी की या उसकी एसोसिएट कंपनी की या उसकी सब्सिडरी कंपनी की या उसकी होल्डिंग कंपनी की, यानी कैश, ग्रुप ऑफ कंपनीज में कंपनी और या फिर फेलो सब्सिडरी। सर फेलो सब्सिडरी क्या होती है मैं आपको बता, नहीं नहीं गुस्सा नहीं करते, ये एच है, एच मतलब होल्डिंग कंपनी, ध्यान देंगे, ये एच है, एच मतलब होल्डिंग कंपनी। इसकी दो सब्सिडरी हैं, सब्सिडरी वन और सब्सिडरी टू, तो सब्सिडरी वन और सब्सिडरी टू आपस में एक दूसरे की क्या है? फेलो सब्सिडरी। यार क्लास फेलो नहीं बोलते थे, सेम क्लास से हैं, तो यहां पर सेम लेवल की, सेम लेयर की सब्सिडरी है, समझ आ रहा है आपको? यानी इस होल्डिंग कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो सारी आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कवर्ड हो जाएगी। तो यानी जनरली आप बोलते थे क्या क्लास फेलो, यहां बोलोगे कैश फेलो, समझ आ रहा है आपको? तो सी से हो गया कंपनी, बोलना पड़ेगा सी से हो गया कंपनी, दम नहीं है, सी से हो गया कंपनी, ए से हो गया, दोबारा सी से हो गया कंपनी, ए से और एस से और एच से और फेलो, तो फेलो सब्सिडरी, कैश फेलो सब्सिडरी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब समझ आ गया आपको, इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं,
और फेलो सब्सिडरी समझा कि एच की दो सब्सिडरी, सब्सिडरी वन सब्सिडरी टू आपस में क्या है, फेलो सब्सिडरीज। कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ आपको? पक्का वाला ना? तो हमने चार डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लिया मजाक मजाक में, है ना। अब हम फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। करें स्टार्ट फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बातें। टोटल लिस्ट में है कितने बेटा? नौ। नौ में से चार हो गए, फिफ्थ की ओर हम चल रहे हैं और इसका नाम है बिजनेस रिलेशनशिप। जयकारा आण दो, क्या? बिजनेस रिलेशनशिप। आवाज में दम नहीं है, क्या? बिजनेस रिलेशनशिप। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, लेट सपोज ये है मिस्टर एक्स जो कि है सी ए प्लस सी ओ पी, ये है मिस्टर एक्स जो कि क्या है सी ए प्लस सी ओ पी। ये एक कंपनी में जाते हैं और कंपनी का नाम है फर्नीचर लिमिटेड, यानी ये फर्नीचर बेचती है, ठीक है। और ये कंपनी से फर्नीचर खरीदते हैं, यानी ये कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। बोलना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं? अब ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो हुई है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो फर्नीचर लिमिटेड और सीए के बीच में हुई है, लेट सपोज आपने जो है सोफा था 2 लाख रुपए का, कंपनी ने आपको 20,000 रुपए में दे दिया, बताओ क्यों है? क्योंकि कल को आप हमारी गलतियां 90% डिस्काउंट बनता जायज, बताओ बनता है? यानी ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन जो है आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं हो रही। बोलना पड़ेगा वर्ड क्या? वेरी गुड, मजे लगा दिए, बेइज्जती करिए ना जो आर्म्स लेंथ प्राइस। एक बार बोलना पड़ेगा वर्ड क्या है? आर्म्स लेंथ प्राइस। सारे बच्चे बोलेंगे दोबारा से, क्या? नहीं मजा नहीं आया, दोबारा। आर्म्स लेंथ प्राइस। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? रीजनेबल प्राइस। बताओ बेटा ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस रीजनेबल प्राइस पर हो रही है या नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही या हो रही है, दोनों सिचुएशन कर लेते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो रही है, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब आप ये मान लो क्या रीजनेबल प्राइस पर हो रही है, तो बताओ फिर कोई दिक्कत? फिर बताओ बेटा मिस्टर एक्स क्या है? तो एज ए कस्टमर नॉर्मल खरीद कर आए, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन बताओ अगर ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं हो रही, दो लाख वाली ट्रांजैक्शन, 2 लाख का सोफा कितने में दे रहे हो आप? 2 लाख में ही दे रहे हो, 1.90 में दे रहे हो, तो इतना तो जायज है, ठीक है। लेकिन 2 लाख वाला सोफा आप उसे 15,000 रुपए में दे रहे हो, 1,85,000 का डिस्काउंट, यानी दया कुछ तो है ना। तो इस केस में मिस्टर एक्स तुम क्या हो? डिस्क्वालिफाइड। फिर तो बस प्रूफ ही नहीं होता, हम कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है ना, ऑडिटर है हम तो। ये कह रहे हैं अगर कंपनी ने इनवॉइस ही रेज नहीं करा, कुछ बताए नहीं तो हमें पता चलेगा, यानी कंपनी ने चोरी चोरी छुपके से हौले हौले क्या कर रही है, ये ट्रांजैक्शन कर रही है, तो फिर तो हमें क्या पता चलेगा? हमें तो तब पता चलता है जब कोई बात नजर के सामने जिगर के पास आ जाती है, फिर तो हमें पता चलता है, ठीक है ना। हम वैसे भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो होते नहीं है, हम वैसे भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो मार को हम तो मानकर चलते हैं ऐसी चीजें हो रही हैं और पकड़ी जा रही हैं और सारे बंदे सही बता रहे हैं, ठीक है ना। मंदिर में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बाद अगला आ गया 6। पहले मुझे 5 के 5 सुना दो, फिर मैं 6 की ओर जा रहा हूं। हम टोटल 9th की ओर तक जाना है, हमारे को 9th तक जाना है, हम 5 तक पहुंच चुके हैं। स्टार्ट हो जाओ, पहला एक्सेप्ट, सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है ना।
आपको कंपलसरी क्वेश्चन की कसम अपने एग्जाम के, अब देखते हैं बेटा पहला क्या था। तुमने तो दिल से बोला है, डर से थोड़ा ना कोई बोलते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बोलते। चलो सेकंड, एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तीसरा, एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगला क्या आ गया, एच आर पी। एच बोले तो, आर बोले तो, पी बोले तो, अच्छा एच आर पी, फिर तीन झूले खुल गए थे, एस आई जी, एस बोले तो, आई बोले तो, आई बोले तो, और जी बोले तो। अगर आपके पास, आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास एक रुपए की भी सिक्योरिटी है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, एक्सेप्ट रिलेटिव को कितना रखना अलाउड है, 1 लाख ना, 1 लाख ना, 1 लाख की ध्यान रखना। और बताओ इनडेप्टनेस कितने की, 5 लाख से, मतलब ये इनडेप्टनेस वाला पॉइंट में एक पॉइंट आप इससे याद कर सकते हो, उच्च या निकलना तेरे यार दिया, मतलब ये है उच्च या निकलना, मतलब 5 लाख से ऊंचे अमाउंट की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है इसलिए। और जी, जी मतलब गारंटी, गारंटी भी यही कह रही है, उच्च या निकलना तेरे, कितने से ऊंची, 1 लाख से, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। और एस आई जी आपको समझ आ गया, और उसके बाद था कैश फेलो सब्सिडरी। कैश में सी का मतलब ए, और एस एच, फिर अभी अभी आपने फिफ्थ पढ़ा क्या, बिजनेस रिलेशनशिप। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो चेक करो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो ओके, वरना फिर हमें ना क्या करने से, तुम्हें अपॉइंट मतलब डिस्क्वालिफाइड मानने से। ठीक से चले आगे बात करें, अगला पॉइंट मैं अभी पहले आपको एक एग्जांपल कराऊंगा फिर लिखवाऊंगा। लेट सपोज एक कंपनी है मजनू भाई लिमिटेड, उस कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं गोलू टकला इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और इनका एक बेटा है राजू विद टू हेयर्स, भीम हुण भुल गई, ये माइटी राजू है, माइटी के थे ये, ओनली राजू है बेटा, तभी मैंने राजू लिखा, इतना टेक्निकल सोच लेते हो। चलो इनके, ये जो गोलू टकला है इनके फादर हैं, और ये गोलू टकला के हैं बेटे, नहीं नहीं अरे ये राजू तो है, इनके बेटे हैं बेटे, समझ आ रहा है आपको। चलो बताओ बेटा, बेटे को ही कह रहे हैं मजनू भाई का ऑडिट दिलवा देते हैं, घर की बात घर में ही रहेगी, पॉइंट समझ आ रहा है आपको। बताओ बेटा ये इनका ऑडिटर बनना चाहते हैं इस कंपनी का, जिस कंपनी में इनके पिता श्री क्या हैं, डायरेक्टर। बताओ बेटा इस कंपनी के अकाउंट्स किन्होंने बनाए होंगे, डायरेक्टर ही तो बनाते हैं, यानी किसने, गोलू टकला ने, यस और नो, गोलू टकला इस कंपनी के अकाउंट्स बना रहे और अपने ही बेटे से ऑडिट करवा रहे हैं। बताओ बेटा बेटा इनकी गलतियां निकालेगा या नहीं निकालेगा, बेटा इनकी गलतियां निकालेगा और ये बेटे को, तो बताओ बेटा, बेटा इनके खिलाफ क्लीन रिपोर्ट इश्यू करेगा, तभी तो पिताजी कह पाएंगे राजू को बेटे मौज कर दी, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, यस और नो। हाँ तो यही बात तो चल रहे हैं, अगर मजनू भाई कंपनी का ऑडिट इन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये उसके लिए डिस्क्वालिफाइड है। यानी अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई कौन, किसी कंपनी के, सिक्स डिस्क्वालिफिकेशन यही है, अगर किसी कंपनी में आपके रिलेटिव डायरेक्टर हैं या की मैनेजीरियल पर्सोनल है, की मैनेजीरियल पर्सोनल है,
यानी कंपनी के इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उस कंपनी का भी आपको ऑडिट नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये राजू जो है सी ए प्लस सी ओ पी हैं, ये हेरा फेरी वाले राजू नहीं है, ये भीम वाले राजू हैं। अ पर्सन विथ टू हेयर्स वेरी फेयर, आइज आर ब्लू, लवली टू। बताओ राजू जो है मजनू भाई लिमिटेड का ऑडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में उन्हीं के ही रिलेटिव यानी उनके ही फादर साहब क्या है यहाँ पर, और ये वैसे तो हर बारी डीजे पे एक सॉन्ग चलाते हैं बापू तेरे करके, सुना नहीं सुना? ठीक है ना, और आज अपने हाँ यही कर लूँ बेटा, कह रहे पूरा गाओ पूरा इंजॉय करवाओ इनको, मैं बेटा पूरा गाना गा भी दूं, हर्ष यहाँ पर आ जाएगा डांस करने, हर्ष का तुम्हें पता नहीं है जितने जनरेटर है ना सब पे डांस कर चुका है ना डीजे बंद होने के बाद। पॉइंट नंबर सिक्स के बाद आप सबके समक्ष सेवन, और हमारा हमने जाना कहां तक है, नाइन तक। सेवन पर हम जा रहे हैं, क्या आप चल रहे हैं? आओ फिर एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूरा दिन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, अब आगे कुछ नहीं कोई बोलेगा, कईयों ने कैलकुलेटर निकाल लिया है, उसको छोड़ो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं बस उतना ही कमा लेते हैं, याद आ गया, अरे यार तुमने थी ऑरेंज वो आ रेड गई है, वैसे फ्री वाली थी ना मुझे तभी याद है, फ्री वाले थे कपड़े। चलो आगे बात करते हैं, एक बात बताओ, मैं बेटा आपकी क्लास ले रहा हूँ, अचानक से मैं बोल रहा हूँ बेटा दो मिनट रुक जाओ मेरे को एक ऑडिट पे जाना है, मैं अभी आ रहा हूँ, आप बताओ क्या कहोगे? जाने नहीं भाई, पढ़ा भाई, पढ़ा यार पढ़ा, कहाँ जा रहा है, जाने दोगे या नहीं जान दोगे? यानी आईसीआई भी कह रहा है जब एक जगह फुल टाइम एंगेज्ड हो तो फिर दूसरे काम को मत पकड़ो, ऑडिट वाले काम मत करो, यानी जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम उनको मना करा गया, फिर तुम ऑडिट वाला काम मत पकड़ो यार, क्योंकि ना तुम फिर ये वाला काम ढंग से कर पाओगे ना वो वाला काम कर पाओगे, दोनों ही जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट होगी। बताओ गलत तो नहीं कहा उन्होंने? तो यानी अगला पर्सन है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सर एक माइंड में ना एक आइडिया आया है, हमने अभी अभी अपना माइंड चलाया है और उससे हमें एक आइडिया आया है, सर पार्ट टाइम वाला कर पाएगा? यस, पार्ट टाइम वाला कर ले सर, फिर आप पार्ट टाइम ही पढ़ा लो। आइडिया अच्छा नहीं है, ठीक है, कह रहे पार्ट टाइम ये क्वेश्चन फाइनल में आया था, पहले एक वक्त पर ये चैप्टर फाइनल में होता था, पर अब इसको इंटर में बहुत टाइम से इंटर में ही डाला हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आता था एक क्वेश्चन आ गया था पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? तो जवाब आता है जी हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। तुम कहाँ हो, तुम बिल्कुल भी नहीं हो। चलो बेटा इनके साथ जाके की क्लियर पा कर वापिस आओ। तो अगर एक पर्सन ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो आईसीआई और कंपनी एक्ट कहता है तुम ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपसे एक और पॉइंट भी करता हूँ, डिस्कस करता हूँ बेटा, आपके इंटर में कितने सब्जेक्ट्स हैं जरा बताना? अगर मैं बोलूँ आपके इंटर में 25 सब्जेक्ट होने चाहिए, खैर क्यों पिटना चाहते हो, कईयों ने तो ईंटें उठा ही ली है, कईयों ने अब सुनो मेरी बात,
एग्जाम्पल है बेटे, ये पात्र काल्पनिक है, वापिस रख दो ईटे। सही है, ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे एक बात करूं, आपको सुनो 25 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो क्या आप एक भी सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे? एक को भी नहीं पढ़ पाओगे? दो तक तो पढ़ ही सकते हो, दो तो इंटर के सब्जेक्ट आप अच्छे ढंग से पढ़। बेटा आज आपने, बेटा चूड़ियां तोड़, चूड़ियां तोड़ बेटे, इधर आओ, वापिस आ जाओ। तो आप क्या कह रहे हो, 25 सब्जेक्ट इकट्ठे हैंडल नहीं होंगे? यही तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कह रहे हैं। बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात अगर हम करें, अगर हम सीए की बात करें, अगर हम सीए की बात करें, उसको जितने ऑडिट आएंगे उतनी इनकम आएगी, जितने ऑडिट्स आएंगे उतनी इनकम आएगी, यस और नो? वो तो हर ऑडिट को क्या कहेगा? लेकिन भाई इंसान लालची है या नहीं है? ये जो तुमने मेरे को देख के बोला ना, यस सर, मैं समझ गया बेटे, ठीक है ना। इधर मेरी बात सुनेंगे तो बताओ, इसलिए आईसीआई ने कहा 20 ऑडिट से ज्यादा ऑडिट नहीं करने देंगे। 20 ऑडिट तक तो तू संभाल सकता है, क्वालिटी से काम कर सकता है, 20 के बाद तेरी क्वालिटी डाउन हो जाएगी और हमारे प्रोफेशन का नाम खराब होगा, समझ आ रहा है? तो कंपनी एक्ट में बोल दिया गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी समय पे 20 से ज्यादा का ऑडिट, तो वो 21st ऑडिट के लिए क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड। यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज ऑलरेडी होल्डिंग, ऑलरेडी होल्डिंग कितने ऑडिट्स, आवाज में दम नहीं है, ऑलरेडी होल्डिंग कितने? 20 ऑडिट्स। तो बताओ बेटा 21st ऑडिट के लिए वो क्या है? डिस्क्वालीफाइड है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी 20 ऑडिट करे, इससे ज्यादा लालच मत कर, 20 में कमा ले बहुत है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, 20 ऑडिट्स वाले के ऊपर एक अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने ऑडिट कर सकता है, 20। लेकिन 20 में किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास की चर्चा में होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के लिए पहले पॉइंट नंबर 8 आप लिखते हुए मुझे दिखेंगे। ये देखो, ये टॉपिक होगा पूरा सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 ऑडिट कर सकता है, लेकिन 20 में ये सब ऑडिट नहीं आते, और 20 में क्या क्या आते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, लेकिन पहले अभी का जो सवाल है वो ये है, आप पॉइंट नंबर 8 नोट करो, 8th डिस्क्वालिफिकेशन। जूम बराबर करो, लेकिन फिर थोड़ा सा साइड से एक बारी वो होएगा, मैं वापस कर दूंगा, टेंशन ना लेना। आप पहले ना यहां तक नोट कर लेना, फिर मैं आगे नोट करवा लूंगा। अब आप यहां से कर लो नोट, फिर मैं दोबारा दिखा दूंगा उस तरफ। हेलो, यहां तक लिख लिया बेटा? सच कन्विक्शन, हेलो 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 हेलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी भी तरीके का फ्रॉड करा, अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी भी तरीके का क्या करा, फ्रॉड,
और कोर्ट ने यह कहा तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत कि आपको सजा सुनाई जाती है इतने टाइम की, यानी अब इतने टाइम तक तुम्हें पोषण पा खेलना पड़ेगा, यानी अब तो जेल में और जेल की रोटी जेल का पानी अब तो जेल में। अब कोई ये मत पूछना जेल में आरओ वाला पानी मिलेगा या नहीं, ठीक है ना। अब मेरा पॉइंट है जिस दिन डेट ऑफ कन्विक्शन थी, मतलब जिस दिन आपके खिलाफ ये फैसला आया, उस डेट ऑफ कन्विक्शन के अगले 10 साल तक, अगले कितने इयर्स तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस में इन्वॉल्व थे, फ्रॉड में, ठीक है ना। यानी अगर आपने फ्रॉड करा और ये बात प्रूफ होगी कि आपने फ्रॉड करा, तो जिस दिन कोर्ट ने ये फैसला सुनाया उसके नेक्स्ट कितने इयर्स तक, 10 इयर्स तक आप ऑडिट ऑफ एनी कंपनी कर ही नहीं सकते, किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। कुछ समझ आई है बातें आपको? 8th डिस्क्वालिफिकेशन समझ आ गई बच्चे? बहुत है बढ़िया। 8th के बाद आजकल क्या आता है? तुम्हारी मैथ्स तो बात हो यार। देखो सेक्शन नंबर 144 हम पढ़ेंगे, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। देखो मैंने आपको बताया था इंसान लालची है या नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हाँ तुम्हारा टीचर भी नहीं है, थैंक यू बेटा आपने सही बोला। चलो तो सेक्शन नंबर 144 में ने एक लिस्ट दे रखी है, मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखला जा। ओए पगले पगला गए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन नंबर 144 में ना, सेक्शन नंबर 144 में ये कुछ सर्विसेज बता रखी हैं, समझ आ रहा है आपको? तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं फिर आप ऑडिट वाला काम नहीं कर सकते, या तो ये कर लो या फिर वो कर लो। तो अगर एक पर्सन सेम कंपनी के लिए, ये सब काम कर रहा है तो फिर इसको ऑडिट वाला काम नहीं मिलेगा, यानी ये ऑडिट वाले काम के लिए क्या माना जाएगा, क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? तो यानी 9th आ गया प्रोहिबिटेड सर्विसेज, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन कौन सा, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। अब एक एक्स्ट्रा सेवा करते हैं आपके लिए, चलो जरा सुनना। हाँ जी एक नोट जरा सुनना, प्रोग्रेसिव बेसिस, एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव बेसिस, वर्ड जरा सुनना, वर्ड क्या है प्रोग्रेसिव बेसिस, सारे बच्चे बोलेंगे वर्ड क्या है बेटा, सुनना जरा। देखो अब हमने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है, और बताओ इसकी फीस लेने के दो ऑप्शन दे, मैं दोनों ऑप्शन बताता हूँ। जैसे हमने क्या करा, वन टाइम ही आपसे ले ली फीस, दूसरी ऑप्शन ये थी मैं पर क्लास फीस लेता आपसे, मतलब पर क्लास जितनी क्लासेस होती जा रही है उसकी फीस, क्लास के एंड पर मैं यहाँ पर कंडक्टर की तरह खड़ा हो जाता, आप आते डोंगा भी पकड़वा दो, आप आते पैसे रखते जाते और क्लास से बाहर जाते जाते मूवी हॉल, है ना। तो यानी ये था मैं जितना पढ़ाता जाऊं उतने पैसे लेता जाऊं, तो इस सिस्टम को कहते हैं प्रोग्रेसिव बेसिस, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं ठीक है। यानी ऑडिटर के साथ भी कई बार प्रोग्रेसिव बेसिस पे डिसाइड हो जाता है, जितने परसेंट काम करोगे उतने परसेंट पैसे लेते जाना। तो लेट सपोज एक क्लाइंट की फीस डिसाइड हुई 1 करोड़, यानी इस क्लाइंट से हमें 1 करोड़ मिलते थे, मिलने हैं ऑडिट फीस के रूप में, हमने उस क्लाइंट का 40% काम कर दिया, तो बताओ क्लाइंट ने हमारे को 40 लाख की पेमेंट रिलीज कर दी, वन ऑफ द मेंबर फैल गया क्या कहते हुए कि यार अभी तुमने काम कंप्लीट करा नहीं है, पैसे पहले ले लिए, तो भाई कल को अगर तुम काम कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, और देयरफॉर तुमने कंपनी के पैसे देने हैं, कितने देने हैं 40 लाख, और 40 लाख 5 लाख से ज्यादा होता है, 40 लाख आवाज में दम नहीं है, 40 लाख ठीक है ना।
तो देयरफॉर तुम कंपनी के लिए क्या हो, डिसक्वालिफाइड, तुम्हारी कैजुअल वैकेंसी हो जानी चाहिए। ये मेंबर फैल गया है, देखो फैला हुआ दिखाता हूँ, ये मेंबर है बेटा, समझ आ गया। अब इस मेंबर को हमने समेटा, मैं कहा फैलते नहीं है ज़्यादा, सही हो, समझ आ रहा है आपको, उठा उठा के डाले वापस, तब जाके सिमटा है। सुनो, उस मेंबर को हमने क्या कहा कि भाई प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब तो होता है क्वांटम मैरिट जिसे आप कहते थे, या हुण भुल गई, क्वांटम मैरिट, पेमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क डन, तो वो वाला सिस्टम पर आप काम कर रहे हो, जितना काम करते जा रहे हो उतने पैसे मिलते जा रहे हैं, तो इसमें ये इनडेप्थनेस थोड़ी ना होगी। तो यही बात मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, ये आपके मॉड्यूल में या मेरी बुक में नहीं होगी, पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इंटेलिजेंट बैच है तो लिखो फिर इसी बात पे। कही कह रहे हैं आज किसी ने पहचाना, लिखो बेटा, इफ एनी पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, इफ एनी पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस it is not a valid ground for attraction of disqualification, यानी इसके बेसिस पर कोई डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आई हैं आपको? हाँ जी, यस और नो, आवाज में दम नहीं, यस या नो? अच्छा, एक बात मेरे को बताना, अपॉइंटमेंट के वक्त पर, ये बात जरा सुनना, ध्यान देना, इधर ध्यान दो, अपॉइंटमेंट के वक्त पर अगर आप डिसक्वालिफाइड हो तो आपको अपॉइंट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जाएगा, जाएगा। दूसरा केस, आप अपॉइंटमेंट के वक्त पर क्वालिफाइड थे, आप अपॉइंटमेंट के वक्त पर क्वालिफाइड थे, अब बताओ बेटा क्या आपको अपॉइंट किया जाएगा? आपको अपॉइंट किया जाएगा, आप अपॉइंट होंगे, इसके बाद आपकी क्या होगी, रिटायरमेंट। लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट के बाद पर रिटायरमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट के बाद पर रिटायरमेंट से पहले कुछ अट्रैक्शन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन हो गई, अट्रैक्शन ऑफ क्या हो गई, यानी वो 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट्स आप पर अगर अट्रैक्ट हो गए, याद है, आप आराम से जा रहे हैं, अचानक से आपके ऊपर लगी कुछ चीज, आपने कहा लग गई, ओए बताओ क्या लग गई, कोई डिसक्वालिफिकेशन, तो बताओ बेटा आपका ऑफिस क्या हो जाएगा, खाली, यानी इस सिचुएशन में आपके ऑफिस में हो जाएगी क्या सीवी, सीवी बोले तो, ये मैंने आपके साथ सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 4 डिस्कस करा है, सेक्शन नंबर कौन सा, 141 सब सेक्शन 4, ये देखो आपको ये बात ऑलरेडी पता थी। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी वो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो चुका है, इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, और बताओ उसको कुछ क्या अट्रैक्ट हो जाती है, कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो गिवन है अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में, यानी कितनी, 1 से लेकर, देन ही शैल बी डीम्ड, डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, टू हैव द वैकेटेड हिज ऑफिस एंड सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ, तो सेक्शन नंबर 1 इसकी हेडिंग बनाएंगे वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 4, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन, सेक्शन की लिस्ट में भी आ जाओ,
141 सबसेक्शन 4 में भी आ जाओ, क्या लिखोगे? वैकेशन ऑफ बाय एन ऑडिटर, लिख ले यहां पर लिस्ट में, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर लिख ले बच्चे सभी ने लिस्ट में, ठीक है। और अब इसकी ये नोटिंग आप कहां पर करेंगे वो भी मैं आपको पेज बता देता हूं, 10.41 पर। ये पहला केस बना लिया आपने, इसके अंदर फर्स्ट बना लिया केस, हाँ जी, डन 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 डन, सभी ने नोट कर लिया? Yes, चलो फिर आज के लिए ना इतनी सी बात है, ठीक है, आज के लिए इतनी सी बात है, बाकी बातें मंडे को।